नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट भानु प्रताप, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के प्रमुख भी हैं। भानु प्रताप जी, आपका हमारे एसएम न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम सभी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भानु प्रताप जी, एक बात बताइए, आज जो बोल रहे हैं मोदी सरकार की पब्लिक, इतनी रूखी रूखी सी क्यों होती जा रही है मोदी सरकार से? नहीं, देखिए, उसका एक जायज कारण है, वो अकारण नहीं है, बेवजह नहीं है। अगर मोदी सरकार से आज पब्लिक बेरुख है तो उसके बहुत गंभीर कारण हैं। मैं अगर छोटे से शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 का इलेक्शन जब चल रहा था, कैंपेन जब चल रही थी 14 की, तो उस समय उन्होंने जितने मुद्दे उठाए और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जितने मुद्दे उठाए, लोगों के सामने रखे, और आज उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जो वो कह रहे हैं, क्या वही बात, जो सवाल उन्होंने उठाए, उन सवालों के जवाब दे पाएंगे वो? अगर वो उन सवालों के जवाब ही दे दें तो मैं समझता हूँ और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दे नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया था जिस समय वो अपनी कैंपेन कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन पूरे 4.5 साल में आधार ही आधार चिल्लाते रहे वो, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने GST का विरोध किया, दब के विरोध किया GST का, और पूरे 4.5 साल में GST ही जिससे रोते रहे वो। इसके अलावा उन्होंने जो लोगों से वादे किए, जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया, 14 में बहुत जोर शोर से किया ना, लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक वो 10 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे सके, और नोटबंदी के दौरान लगभग 4.5 करोड़ लोगों को उन्होंने बेरोजगार और कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जो नेशनल पोर्टल बनाया अपना, कि जिसमें बेरोजगार जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उस पोर्टल पर 4.5 करोड़ लोगों के नाम दर्ज हैं, पर उसमें से मुश्किल से 2,35,000 लोगों को रोजगार दे पाए हैं, है नहीं है? तो जितने भी वादे उन्होंने किए, जितने भी सवाल खड़े किए, एक का भी तो जवाब नहीं दे पाए वो, एक भी वादे को तो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा मंदिर, भैया मंदिर अभी बना लो, इससे ज़्यादा क्या होगा, केंद्र में सरकार तुम्हारी, राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, उत्तर प्रदेश में जाइए बनना वहाँ मुख्यमंत्री तुम्हारा, 325 विधायक तुम्हारे, 19 राज्यों में सरकार तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी। अबे और भी कुछ चाहिए इसके लिए? एक छोटा सा मंदिर बनाने के लिए और भी कुछ चाहिए तुम्हें? बनाने तो नहीं, बना तो नहीं पाए। और अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भोगी महाराज, योगी जो है भोगी महाराज, वो कह रहे हैं मैं इसमें वो बनाऊंगा मूर्ति, राम की इतने फुट ऊंची मूर्ति बनाएगा। क्यों मूर्ति क्यों बना, मंदिर बनाना भाई, मूर्ति क्यों बनाता है? तो ये जितने भी वादे इन्होंने किए, सिर्फ इनके वादे थे लोगों को गुमराह करने के, ये सारे के सारे इनके तरीके थे। इसके अलावा 15 लाख रुपये जो हैं हर किसी के खाते में आ जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में जितना काला धन है, स्विस बैंक में जितना काला धन है, वो वापस आ जाएगा। और आपको मालूम है, अभी महीने डेढ़ महीने पहले रिपोर्ट आई कि स्विस बैंक में आज की तारीख में जो पहले धन जमा था उससे 50% और ज़्यादा हो गया। भाई कहाँ से आ गई, वो आ गया या चला गया उसमें और जमा हो गया? ये कारण क्या है? ये कारण यही है कि वादे ही वादे किए, झूठ ही झूठ बोला और कुछ नहीं बोला। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश का 56 इंची चौकीदार सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा कुछ कहता ही नहीं, झूठ ही बोले, जब बोले झूठ ही बोले, और बोलता ही रहता। भाई कुछ कर भी तो सही, कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 625 नाम स्विस बैंक की तरफ से, स्विस गवर्नमेंट की तरफ से इसको सरकार को दिए गए, और जब बनी थी सरकार उसके कुछ समय बाद ही दे दिए गए, लेकिन पूरे 4.5 साल में वो नाम पब्लिक को तो बताना छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट चिल्लाती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बनाए बताए, सर सुप्रीम कोर्ट को बता दो भाई, वहाँ नहीं बताए। तो मतलब सिंपल ये है कि ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते, काम नहीं करते, इसलिए पब्लिक उनके खिलाफ है। एक चीज़ मैं अभी आपको यहाँ और जोड़ना चाहूँगा, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, BJP का घोषणा पत्र आया है जिसे दृष्टि पत्र कह रहे हैं, उसमें वादों की झड़ी लगा रखी है कि ये भी देंगे, कि ये भी देंगे, लड़कियों के लिए जिनके 75% से ज़्यादा नंबर आएंगे उन्हें जो है हम स्कूटी देंगे, ठीक है ना जी, और 10 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे। अबे झूठे महाराज, पहले जो 2 करोड़ का वादा कर रखा उसे एक ही को पूरा कर लेता है एक साल का ही, जो बाकी और 10 लाख की बात करा प्रदेश में, कहीं कुछ नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि अगर एक सरकार को, एक मुख्यमंत्री को 15 साल शासन करने के बाद प्रदेश में फिर भी वादे करने पड़े तो साफ जाहिर है कि उसने काम नहीं किया, केवल और केवल लूट मचाई है, भ्रष्टाचार फैलाया है।
है।